सत श्रीकाल जी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुक विद सरदार। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मशरूम डुप्लेक्स। मशरूम डुप्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मशरूम। मशरूम का साइज़ हमें थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि हमने इसे फिल करना है और बाद में आपस में जोड़ना है। सबसे पहले आप मशरूम लीजिए और इसको इस तरह से अंदर से खोखला कर दीजिए। सभी पीसीस को आप इसी तरह तोड़ के अंदर से बड़े ही आराम से खोखला कर सकते हैं। हमें अंदर कैविटी चाहिए और वो हम ऐसे बनाएंगे। इसके बाद जो आपके ये सभी पीसीज हैं आप इनको बॉईल कर लें। आप देख सकते हैं अब हमारे जो मशरूम है वो अंदर से उसमें कैविटी बन चुकी है, उसमें हम अब सामान फिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये सारा जो है अपनी मशरूम है और ये जो मशरूम की स्टेम्स हैं इन सभी को बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे मशरूम के पीसीज हैं ये हमने बॉईल कर लिए हैं अच्छी तरह से, ये बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुके हैं। और अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए पालक। हमने ये पालक को बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसको हमने चॉप कर लिया है। फिर हमें चाहिए गार्लिक चॉप किया हुआ, चिली फ्लेक्स, चीज़। मैं यहाँ पे चैटर चीज़ ले रहा हूँ, आप मोजरीला चीज़ भी ले सकते हैं। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में चाहिए हमें आप नमक, ब्रेड क्रम्स और ये कद्दूकस किया हुआ, चॉप किया हुआ ये मशरूम है। ये वही मशरूम के स्टेम्स हैं जो हमने इनमें से बाहर निकाले थे, वो हम उसको फेंकेंगे नहीं, हम उसको चॉप कर लेंगे। बॉईल कर लिया फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। फिलिंग बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक की पैन लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप, थोड़ा सा और डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल को, जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे गार्लिक, क्योंकि इसमें जो फिलिंग में मेन फ्लेवर तो गार्लिक का ही आएगा। फिर आप डालेंगे पालक बॉईल की हुई है पहले से ही और इसको हमने कद्दूकस कर लिया था, हमने इसको चॉप कर लिया था। आप देख सकते हैं बढ़िया रंग आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। आंच को थोड़ा सा धीमा कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। साथ में हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम से क्या होगा, जो ये हमारा जो हमारी फिलिंग है ये थोड़ी सी आपस में बॉइल हो जाएगी और हम उसमें मशरूम में इसको आराम से फिल कर सकेंगे। थोड़ा पका लीजिए, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम डाले हैं वो थोड़े पक जाएंगे। मशरूम और पालक हमारी ऑलरेडी
क्योंकि ये हमने इसको उबाला हुआ है। अब आप गैस को आप देख सकते हैं ये पक चुका है सारा कुछ। अब हम इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करके हम एक बॉल में निकालेंगे और फिर हम इसमें जो अपना चीज़ ऐड करेंगे, वरना चीज़ जो है वो हमारा पैन से चिपक जाएगा। हमने फिलिंग को एक बॉल में निकाल रही है और अब इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमारी मशरूम डुप्लेक्स की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है और अब हम इसे मशरूम के अंदर फिल करेंगे। अब हम फिलिंग को मशरूम के अंदर भरेंगे और इसके लिए हमें चाहिए टूथपिक्स। सबसे पहले आप ऐसे मशरूम लीजिए और फिलिंग है जो उसको इसके अंदर इस तरह से भरिए। आप देख सकते हैं, और फिर उसके ऊपर दूसरे मशरूम के पीस को आप जोड़ दीजिए ऐसे करके, और फिर हम जो है इसके अंदर टूथपिक लगा देंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाएं। अगर बड़े पीसेज हैं तो आप दो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम दो का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी का जो है आपका मटेरियल जो बाहर आता है आप उसको यूं करके गिरा दीजिए। आप देख सकते हैं, हम आपको दोबारा लगा देते हैं। एक लीजिए मशरूम का पीस, उसके अंदर फिलिंग भरिए, फिर उसके ऊपर आप जो दूसरा पीस है इस तरह से अटैच कर लीजिए और टूथपिक लगा दीजिए। और जो बाकी की रेस्ट ऑफ द फिलिंग है बाहर आ रही है जो, उसको गिरा दीजिए। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखेगा देखने में। इसी तरह हम सभी को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे मशरूम के पीसेज है वो सभी फिल हो चुके हैं और हमने एक के साथ एक जो है वो आपस में जोड़ दिया है और उसमें टूथपिक लगा दिया है। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में थोड़ा सा मैदा, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और हल्का सा नमक। फिर हम इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ताकि जो हमारे पीसीज है इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएं। इसके बाद इसमें कोट करने के बाद हम उस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बैटर हमारा अब रेडी है, अब हम इसमें एक एक करके पीसीज डालेंगे। हमारा बैटर बनके तैयार है और ये हमने साथ में लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब हम एक एक पीस को धीरे धीरे से इसमें इस तरह से डुबोएंगे ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए, और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह हम सभी पीसीस को करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पीसीस जो हैं तैयार होने लग गए हैं। इस पर अच्छी तरह से जो ब्रेड क्रम है वो कोट हो गए हैं। आप थोड़ा सा ऐसे करके इसको रोल भी कर लें, दबा लें ताकि वो अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। इसी तरह हम सभी पीसेस को रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सभी पीसेस रेडी हैं, इस पर कोटिंग हो चुकी है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम एक एक करके अपने जो पीसेस हैं इसके अंदर डालेंगे।
पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म जरूर कर लीजिएगा। हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मेनली हमने इसको कलर ही देना है क्योंकि हमारी जो सारे चीज़ें थी वो पहले से ही बॉइल्ड थी, जैसे मशरूम बॉइल्ड थे उसकी फिलिंग भी पकी हुई थी, तो हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेन होता है कि हमें बाहर का कलर ही देना होता है। आप देख सकते हैं इसका कलर आना शुरू हो चुका है। अब देख सकते हैं अभी तैयार होने शुरू हो चुके हैं, बस कुछ ही मिनट की देरी है। आप देख सकते हैं हमारे जो मशरूम है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। लीजिए आप देख सकते हैं हमारे जो मशरूम्स हैं वो बनके भी बिल्कुल तैयार हैं, मशरूम डुप्लेक्स। आप देख सकते हैं किस बढ़िया तरीके से इसकी फिलिंग नज़र आ रही है। देखिए इसी तरीके से आप इसे बड़े आराम से अपने घर में बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।